हेलो गाइस वेलकम टू माय ट्यूब चैनल सुजीत कुमार अस्तम्भ कला सचगो आज फिर से हम टेंस का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं शायद यह पार्ट फोर है तो टेंस का हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं फिलहाल जैसे ही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपको प्रैक्टिस को एक नए अंदाज देगी ठीक है तो यह पास्ट टेंस का कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था वह लेकर के आए हैं उसके बाद फिर देखिएगा फ्यूचर टेंस स्टार्ट होगी ठीक है और फ्यूचर टेंस को भी हम अंत करेंगे देखिए यहाँ तक आन करके हम फ्यूचर टेंस साठ तक ख़त्म कर देंगे ठीक है इस बात को आप समझ रहे होंगे ठीक तो आज मतलब टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगी उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन टेंस का लेकर के आएंगे ठीक है ताकि यह पता चले कि आप कितना अच्छी तरह से पढ़ाई किए हैं और कितना अच्छी तरह से आप टेस्ट दे पा रहे हैं संजय बात के ऐसे तो टॉपिक वाइज रहती है तो प्रजेंट का है तो प्रजेंट का ही आप टिक मारते जाते हैं लेकिन अगर मिसलिनियस रहेगा तो इसमें आपको समझना पड़ेगा टाइम से आपको पता चलेगा कि आखिर वास्तव में इस टेंस का सेंस क्या है और उसी सेंस के अनुसार आप भर्ब का चयन करेंगे है ना तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इकतालीस नंबर क्वेश्चन से सी डॉट डॉट टू दिल्ली लास्ट वीक व पिछले सप्ताह दिल्ली गई थी पिछले सप्ताह वह दिल्ली गई थी सेंस आ रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भी का प्रयोग होगा क्योंकि पास्ट इन टेंस सी वेन टू दिल्ली लास्ट वीक वह पिछले सप्ताह वह दिल्ली गई थी ठीक है ना तो वेंट होगा वह पिछले सप्ताह दिल्ली जाती है ये तो गलत बात है और विदाउट हेल्पिंग वर वी कैन नॉट यूज दर्ब थर्ड बिना हेल्पिंग भार के भारती थ्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते ठीक है और गो भी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी सिंगुलर सिंगर सब्जेक्ट है तो भार भी तो सिंगुलर लेगी तो यहाँ पर सिंगुलर है और वैसे भी प्रजेंट इंडिफिनिट तो होना नहीं है पास्ट इंडिफिनिट होना और पास्ट में सिंगुलर पोर्टल का खेल होता ही नहीं है तो इसीलिए क्या होगा सी वेन टू दिल्ली लास्ट वीक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फोर्टी टू ही डॉ डॉट ए बुक ए मंथ एगो वह एक महीना पहले ही किताब को क्या किया था खरीद लिया था एक महीना पहले खरीद तो बाउट किया ना तो ही बाउट ए बुक बाउट ए बुक ए मंथ एगो जिस सेंटेंस में एगो लगा रहता है वहां आप पास्ट निपनी टेंस का ही प्रयोग करें ट्राई टू अंडरस्टैंड वाट आई से समझने की कोशिश करो जो मैं कहता हूँ ठीक है ही डॉट डॉट ए बुक ए मंथ एगो एगो जिस सेंटेंस में लगा रहे वह पास्ट इंडिफिनि टेंस होगा तो होगा ठीक है ही बाउट ए बुक उसने किताब खरीदा ए मंथ एगो एक महीना पहले नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री ठीक है ना अगला क्वेश्चन जो है तैतालीस क्वेश्चन आई डॉट है मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई ठीक है ना तो आई बिकम होगा तो खुशी हुई ना आखिर मिले तो ये तो पास्ट की बात है जिसमें आपको खुशी हुई मिले तो आप पास्ट में ही है ना उसके बाद ही तो खुशी हुई तो आई होना चाहिए आई बिकेम Happy to see मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई ठीक है ना अगला क्वेश्चन देख लीजिए मिस्टर सिन्हा सिन्हाडे मिस्टर सिन्हा बीता हुआ कल क्या किए भाई तो बीता हुआ कल है ना स्टे मतलब अर्थात इनसे पता चलता है कोई न कोई तो ऐसी घटना रही होगी ना जो पास्ट में ही घटी होगी तो पास्ट डिफिनि टेंस का चयन कीजिए कौन सा है तो प्रेजेंट का ए, का है तो फ्यूचर का ए, पास्ट का तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा माय मिस्टर सिन्हा डाइड स्टड मिस्टर सिन्हा कल ही मर गया था समझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर ही डॉ डॉट हेयर ए वी के गो फिर देखिए ये गो लगा हुआ है एक सप्ताह पहले ही वह चली गई थी तो यहां पे ये गो जब लगा हुआ है किसी सेंटेंस में तो हमें क्या यूज करना होगा वी हैव टू बी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ दर्व समझे हमें क्या यूज करना पड़ेगा वर्ब का दूसरा फॉर्म तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा ही वी कैन हेयर ए वी की गो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आई डॉट डॉट पटना लास्ट ईयर देखिए फिर लास्ट ईयर है लास्ट ईयर मतलब पिछले साल तो पिछले साल मतलब तो बीत गई ना ये साल तो लास्ट ईयर मतलब पास्ट टेंस का ही बात हो रहा होगा तो ये तो प्रजेंट का ही तो होना नहीं है पास्ट ए, ये पास्ट कंटिन्यूस का है यह भी नहीं होगा हाइड लेफ्ट फास्ट परफेक्ट का यह भी नहीं होगा पास्ट टेंस का होगा समझे पिछले साल मतलब जस्ट पिछले साल तो जस्ट पास्ट में हम लोग पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं मोर पास्ट पास्ट में परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं ठीक okay? है आई लेफ्ट पटना लास्ट ईयर मैंने पिछले साल ही पटना छोड़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेवन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टॉट उन्नीस सौ चौदह मतलब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्टेड मतलब स्टार्ट हुई थी शुरू हुई थी कब हुई थी उन्नीस सौ चौदह ईस्वी में नाइनटीन फोर्टीन उन्नीस सौ चौदह ईस्वी में शुरू हुई थी तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्नीस सौ चौदह में शुरू हुई स्टार्टेड होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी डॉट डॉट इन मुंबई दोज डेज हम लोग उन दिनों कहाँ रहते थे मुंबई में रहते थे तो रहते थे ना तो ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ ना तो वी वी आर लिविंग इन मुंबई दोज डेज उन दिनों कहाँ रहते थे उन दिनों रहते थे मुंबई में अगर इन दिनों रहता दिस डेज तो हम प्रजेंट कंटिन्यूस लगाते लेकिन बात उन दिनों की है तो मतलब बीत गई है बात तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगी सोनम वाज टॉट डॉट क्रिकेट विथ हर फ्रेंड सोनम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रही थी तो सोनम वाज फ्लेइंग होगा ना क्योंकि आई जार वाज वेयर तो हेल्पिंग भरवा चुका है इसके साथ मेन भर तो आना ही चाहिए भर को चौथा फॉर्म तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दे वेयर डॉट डॉट टीवी दैट टाइम वे लोग उस समय किस समय उस समय मतलब पास्ट की बात हो रही है तो दे वेयर वी4 लगेगी दे वेयर वाचिंग टीवी दैट टाइम वे लोग उस समय टीवी देख रहे थे ठीक है बात तो उस समय की है मतलब बीती हुई है तो पास्ट का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना अब देखिए फ्यूचर टेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन नेक्स्ट ईयर वे लोग तुमसे अगले साल मिलेंगे तो दे विल होगा क्योंकि कैन तो हो नहीं सकता है वो ही नहीं सकता नीड हो ही नहीं सकता है तो प्रजेंट हो गई और कैन तो ये भी मॉडल का ये है तो विल बाकी बचा विल ठीक है ना तो सेल विल करके फ्यूचर टेंस का निर्माण होता है तो कैन कहाँ से बीच में टपकाे तो दे विल मीट यू नेक्स्ट ईयर वे लोग तुमसे अगले साल मिलेंगे तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा अगला देखिए माय फादर डॉट डौ डॉट एराइव हेयर टुमोरोमोरो मैंने आने वाला कल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है इस टाइम से पता चल रहा है तो माय फादर विल अराइव मेरे पिताजी पहुंचेंगे हेयर एहा कल मेरे पिताजी यहाँ कल पहुंचेंगे अगला क्वेश्चन सी डॉट डॉट ए बिजनेस कमिंग मंथ वह व्यापार कमिंग मंथ वह वह व्यापार स्टार्ट करेंगे आने वाला महीना में कमिंग मंथ के मतलब क्या हुआ आने वाला महीना कमिंग मंथ मतलब क्या हुआ आने वाला महीना तो आने वाला महीना में मतलब ये फ्यूचर के कहीं ना कहीं बात हो रही है तो सिविल स्टार्ट होगा क्या होगा सिविल स्टार्ट ए बिजनेस कमिंग मंथ सी के साथ सेल तो ऐसे सामान्यता लगती नहीं है विल लगता है तो ठीक है तो सी विल मंथ अगला क्वेश्चन हम लोग तुमसे कल मिलेंगे वे भी बात है की, तो आने वाला का तो वी के साथ क्या लगता है सेल लगता है सेल लगता है सेल लगता है, सेल लगता है। कहीं पे है क्या नहीं है सूड है, है विल है सी है और फिर सीन है तो अगर सेल नहीं है तो शैल या विल का तो इस्तेमाल किया जाता है समझे ना? तो फिर विल का इस्तेमाल कर लेंगे ठीक है ना? वैसे भी शैल का प्रचलन तो आजकल रुक गई है ना? समझे लेकिन फिर भी अभी साथे ले जा रहे हैं। आम तौर पर इस्तेमाल विल का ही हो रहा है फ्यूचर टेंस में ठीक है तो वी विल यू टूमोरो इसका मतलब हुआ कि हम लोग तुमसे कल जरूर मिलेंगे जरूर यहां पे हो जाता है ठीक है अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव वी डॉट डॉट इन मुंबई नेक्स्ट ईयर हम लोग अगले साल मुंबई जाएंगे तो अगले साल की बात है मतलब फ्यूचर की बात है तो वी विल सेटल वी विल सेटल वी विल सेटल इन मुंबई नेक्स्ट ईयर हम लोग अगले साल मुंबई सेटल होंगे तो यहाँ पर फ्यूचर की बात है ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखिए इफ यू ड्रॉप द ग्लास इच डॉट 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 ब्रेक होगा ब्रेक क्या होगा तो आप जानते हैं कि जब कंडीशनल सेंटेंस रहती है तो कंडीशन वाला सेंटेंस प्रजेंट टेंस का होता है और विदाउट कंडीशन वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट का होता है तो यहाँ देखो फ्यूचर इंडेफिनेट कौन है तो विल ब्रेक है तो ये ऑप्शन राइट right हो जाएगा अगला देखिए वेन ही डॉ डॉ टू माई हाउस आई सेल गिव हिम क्या होगा वेन ही डॉ डॉ टू माई हाउस जब वह मेरे घर आए, आएगा तो आई सेल गिव हिम सरप्राइज मैं उसे सरप्राइज दू, दूंगा तो कंडीशन वाला जो सेंटेंस होता है प्रजेंट इंडिफिनिट का होता है और विदाउट कंडीशन वाला सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर इंडिफिनिट का होता तो ये तो विदाउट कंडीशन वाला फ्यूचर में मिल ही गया तो कंडीशन वाला किस में होना चाहिए व्हेन कंडीशन है तो प्रजेंट का तो ही के साथ क्या लाएगा कम्स ठीक है ना सब्जेक्ट सिंगुलर तो भाव क्या होगा सिंगुलर अगला देखिए एच लॉन्ग एच ही प्रैक्टिस हार्ड ही डॉट डॉट द एग्जाम तो ये भी कंडीशन है तो ये जब प्रजेंट इंडिफिनेट का क्या होना चाहिए फ्यूचर का इसमें कौन है फ्यूचर विल है और सेल भी टॉप है तो ही के साथ क्या लगता है विल लगता है तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा जहां तक वह प्रैक्टिस करेगी ना कड़ी मेहनत प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो एग्जाम में टॉप करेगा ठीक है फेन सी कम्स आई जब वह आएगी तो आई आए, सेल गो जब वह आएगी तो मैं जाऊंगा तो जब कंडीशन वाला सेंटेंस में प्रजेंट इंडिफिनिट का है तो विदाउट कंडीशन वाला में फ्यूचर इंडिफिनिट का हो ऐसा अगला क्वेश्चन एच लाऊंगा एज ये भी कंडीशन है तो देखिए कंडीशन वाला में प्रजेंट इंडिफिनिट का होगा और विदाउट कंडीशन वाला में तो फ्यूचर का दे ही रखा है तो प्रजेंट इंडिफिनिट कौन है तो ही के साथ स्टे होगा कि स्टेज होगा स्टेज होगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दिया है अब जो बाकी बचा है वह बचा है मिसलेनियस क्वेश्चन टेंस का करवाने के लिए ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो